हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर योग। गाइस, आइस हमारी बॉडी में बहुत ही प्रेशियस ऑर्गन्स होता है। बिना आइस के लाइफ को इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि जाने अनजाने में रोज़ हम ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमारी आंखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और फिर हमें आइस रिलेटेड इश्यूज़ होने लगते हैं, जैसे आंखों में जलन होना, आंखों में बार बार आंसू का आना, आंखों में ड्राइनेस होना, आंखों में कंकर गड़ने जैसा फील होना और आंखों में खुजली व आंखों में दर्द होना और भी कई तरह के इश्यूज़ हमें होने लगते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ बुरी आदतों की जिससे आईसाइट वीक होती है। लगातार बिना पल के झपकाए टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन देखने से आंखें ड्राई होती है और सरफेस पे डेड सेल जमा हो जाते हैं। सरफेस पे ज़्यादा डेड सेल जमा होने से डार्क स्पॉट बनते हैं और आई धीरे धीरे वीक हो जाती है। वैसे हम में से कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना ही पड़ता है, लेकिन हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ के जा सकते हैं या पानी पी सकते हैं। पानी पीने से ना ही आपकी आंखें स्ट्रेस फ्री होगी बल्कि आंखों की ड्राइनेस भी कम हो जाएगी। सेकेंड थिंग, आंखों को मसलना। हमारी आंखें बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड होती है। कुछ लोगों की आंखों को मसलने की आदत सी पड़ जाती है जिससे वे जाने अनजाने में आंखों के नीचे छोटी छोटी ब्लड वेजल्स होती है जिन्हें वे सीरियसली डैमेज कर बैठते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमारे हाथ साफ ना हो तो कीटाणु हमारी उंगली से हमारी आंखों पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं जिससे हमें इरीटेशन या एलर्जी हो सकती है। इसलिए खुजली होने पर हमें हल्के हाथों से ही उसे शांत करना चाहिए। थर्ड थिंग, कम लाइट में पढ़ना। कम लाइट में पढ़ने से हमारी आंखों के मसल्स पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है जिससे वे वीक हो जाते हैं। और अगर आप रात में रूम की लाइट ऑफ करके मोबाइल यूज़ करते हो तो फिर आपकी आंखें बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाएगी। इसलिए आंखों पर बिना किसी स्ट्रेन के प्रॉपर लाइट में ही पढ़ाई करें। हाँ, तो यही थी कुछ बुरी आदतें जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ अच्छी आदतों की जिनसे हम हमारी वीक आइस को फिर से ठीक कर सकेंगे। नंबर एक, फूड फॉर आइस। अगर आप चाहते हो कि आपकी आइस लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग रहे तो आपको अपनी डाइट में कुछ नेसेसरी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। सभी हरे पत्तेदार सब्जियों में जियाजेंथिन और लूटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। गाजर, जिसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है जिसे आप सैलेड या जूस फॉर्म में ले सकते हो। आंवला, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो कि आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आंवला सीजन में आपको रोज़ एक आंवला ज़रूर खाना चाहिए। मूंग दाल भी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ज़्यादा नमक खाने से हमारी आंखें ख़राब होती है, इसलिए अगर आप अपनी आंखों का ख्याल रख पाएंगे तो आपकी आंखें भी आपका ख्याल रख पाएंगी। नंबर दो, आइस एक्सरसाइज। बॉडी के हर मसल्स का हम वर्कआउट करते हैं मगर आइस का क्या? अगर हम कुछ आइस एक्सरसाइज दिन में 2-4 मिनट करें तो आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाओगे। पहला है, अपनी आंखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाएं। शुरुआत में धीरे धीरे करें, 1 मिनट काफ़ी रहेगा। दूसरा, आंखों को कसकर भींच लें और 3 सेकेंड के लिए होल्ड करें, इसके बाद आँखें खोल लें। तीसरा, जो कि सबसे सरल है, दोनों हाथों को आपस में मलें और आंखों पर रख लें, इससे आंखों की मसल्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फिर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आइस के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जिसको 30 सेकंड तक प्रेस करें। फिर सुबह नंगे पैर घास पर चलना और ग्रीनरी को आंख से देखना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तीसरा है आई वॉश रूटीन। एक बहुत ही अच्छी आदत जो आपको हमेशा करनी चाहिए वो ये है कि अपने मुँह को पानी से भर लें और फ्रेश पानी से अपनी आँखों को धोएँ। मुँह को पानी से भरने से आंखों का एरिया एक्सपेंड हो जाता है और आंखें अच्छे से साफ हो जाती है, इससे आंखों की मसल्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। आखिर में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक ट्राई एंड ट्रस्टेड होम रेमेडी जो लगभग हर प्रकार की आइस प्रॉब्लम्स में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बस इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, बादाम, सौंफ और मिश्री। इन तीनों को बराबर मात्रा में ले लें और इसे बारीक पीस लें। इस पाउडर को आप एयर टाइट ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। बस सोने से 30 मिनट पहले आपको इसका 1 चम्मच लेना है और ऊपर से गुनगुना दूध पीना है। आप ये 3 महीने के लिए कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। सो अपनी आँखों को डैमेज करना बंद करें, अपनी आँखों का प्रॉपर ख्याल रखें क्योंकि हमारी आँखें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास होती है। चलिए एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। क्या आपको पता है हमारे मुँह की लार एंट्री माइक्रोबियल प्रॉपर्टी में इतनी रिच होती है कि रोज़ सुबह उठते ही अगर इसे आँखों के आसपास लगाया जाए तो ये हमारी आई साइट को इम्प्रूव करती है और डार्क सर्कल तो इससे कुछ ही हफ्तों में ख़त्म हो जाते हैं। इसके लाइव एग्जांपल जानवरों में देखे जा सकते हैं। जानवर अपने घाव चाट कर ठीक कर लेते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर क्या करें, प्रकृति ने हमें कुछ ऐसा ही बनाया है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ अच्छी आदतें जो कि हमारी आई साइट को इम्प्रूव करती है। बस तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।